हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वाले लेक्चर में अपना जो नेक्स्ट पार्ट है जो कवर करांगे, टीचिंग कंसेप्ट थ्रू डिस्कवरी एक्सपोजिशन एंड इन डाइवर्स क्लासरूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चो हर बारी डिस्कवरी ते एक्सपोजिशन ते तो बहुत बारी फाइनल ईयर दे विच मतलब फाइनल एग्जामीनेशन दे विच क्वेश्चन पूछा भी गया गा। डिटेल डिस्कस करांगे दे नाल ही ये मैथड्स ने जिहड़े ये रचे पैडागोजी च भी आ जांदे ने गे। मतलब साइकोलॉजी की जिहड़ी सी टैट पी टैट आ गया है ना, उहदे च भी डाइवर्स लर्निंग का कंसैप्ट हैगा गा, तां तुसीं ध्यान नाल करो ये। हाँ जी, पहले आपां शुरू करते हैं डिस्कवरी मैथड। इट इज़ अ काइंड ऑफ टीचिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट फाइंडिंग थिंग्स आउट फॉर दैमसेल्वस, लुकिंग इन टू प्रॉब्लम्स एंड आस्किंग क्वेश्चनस। मतलब डिस्कवरी मैथड की है, खोज नाल संबंधित जिहड़ी विधि हैगी, खोज विधि है जिहदे विच बच्चे खुद तो जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने गे उन्हां नूं वेखदे ने, आंस क्वेश्चन करदे ने गे, तो खुद तो ही जिहड़े सोल्यूशन ने गे उह फाइंड आउट करदे ने गे, क्योंकि इहदा नाम ही डिस्कवरी है, मतलब खोज करना है ना। डिस्कवरी लर्निंग टेक प्लेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। मतलब जिथे प्रॉब्लम्स पहला बच्चों दित्तियां जांदियां ने उत्थे डिस्कवरी लर्निंग होंदी है। कोई जिवें छोटे बच्चे आ तो उन्हां नूं इदां दीआं कोई पजल्स देतियां कि उन्हां नूं खुद तो सॉल्व करन, है ना। तो लर्नर ड्रॉ ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस, तो बच्चे खुद के तजर्बे के बेस से उन्होंने सॉल्व करते हैं। इट इज़ अ मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू विच स्टूडेंट इंटरैक्ट विद देयर इनवायरमेंट बाय एक्सपलोरिंग एंड मैनुपलेटिंग ऑबजैक्ट्स। मतलब जो उन्होंने आला दुआला जो उन्होंने इनवायरमेंट है, स्टूडेंट्स उन्होंने खुद एक्सपलोर करते हैं, खुद चैक करते हैं कि असं इस चीज़ का की सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कि बच्चे बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग जो डिस्कवरी मैथड के फॉलो करते हैं, ठीक है। मेन एट्रीब्यूट्स की नेगे, एट्रीब्यूट्स कई बार आप करैक्टरिस्टिक्स में भी कह दें, मतलब मेन यदिया जी आप कह सकते विशेषतावान की है इस मैथड दियाँ। तो यही एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं बिंकनल हॉलमर्स एंड हॉफमैन, 2000 के उन्होंने मेन तीन एट्रीब्यूट्स दिते से। पहला सीगा एक्सपलोरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू क्रिएट इंटीग्रेट एंड जनरलाइज नॉलेज। मतलब सब तो पहला तो कोई भी प्रॉब्लम हैगी उस चीज़ में एक्सपलोर करना, उस चीज़ में मतलब आप कह सकते हैं पंजाबी दे विच कह सकते हैं कि उस चीज़ को खिलारना, उस चीज़ को खोल के वेखना कि है कितने प्रॉब्लम हैगी, की सोल्यूशन हो सकता, उन्होंने किमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सैकेंड, स्टूडेंट ड्रिवन इंटरस्ट बेस्ड एक्टिविटीज़। तो सब तो जरूरी है सैकेंड कि बच्चों के इंटरस्ट के अकॉर्डिंग होन प्रॉब्लम्स भी, है ना, बच्चों का इंटरस्ट ड्राइव हो उस चीज़। थर्ड, एनकरेज इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज। इदा द एक्टिविटीज़ हो जिन्ना तो बच्चे हर बारी कुछ नवं सीखन, उन्हों की नॉलेज के न्यू इंटीग्रेशन हो, न्यू जी उन्होंने नॉलेज की है इंपार्ट की जाए। ये तीन मेन एट्रीब्यूट से। प्रिंसीपल्स किड़े आएंगे, ब्रूनर ने दिते से तीन प्रिंसीपल से डिस्कवरी लर्निंग के। प्रिंसीपल ऑफ रेडीनेस, ये आप पहला भी पढ़िया कि रेडी होना, सब तो पहला अटेंटिव होना क्लास के, कि हाँ तुम जो थानू कोई प्रॉब्लम मिल रही है, तुम ज स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम दे रहे हो तो कि बच्चे रेडी ने उस चीज़ के लिए, कि उन्होंने ध्यान हैगा। प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल ऑर्गेनाइजेशन, ये नवा वर्ड होगा थोड़े लिए, बट आप पढ़िया है स्पायरल ऑर्गेनाइजेशन के गल आऊगी। जिहड़े आपां मैक्सिमस पढ़े सीगे, सिंपल टू कंपलैक्स, ईजी टू डिफिकल्ट। स्पायरल, एक स्पायरल एक दख जिवें स्प्रिंग हुंदा, उहदे आपां नीचे शुरू करदे उपर तक इदां इदां जांदे आ, है ना, दैट इज़ स्पायरल ऑर्गनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपलोरेशन, लास्ट एक्सपलोर करना थिंग्स नूं प्रॉपरली, चीज़ां नूं इलैबोरेट करना, मतलब इदा नहीं कि बस उपरों उपरों दसता, वह प्रॉपर निचोड़ कटना, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्सपलोरेशन। ये मेन तीन डिस्कवरी लर्निंग के प्रिंसिपल्स ने गे। उस तो बाद आ गया जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कवरी मैथड। मेन करैक्टरिस्टिक्स की है डिस्कवरी मैथड के, पहला बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। पहला आप पढ़ लिया लर्निंग बाय डूइंग से बेस्ड आ। इंप्लाई थ्रू इंगेजमेंट, बच्चे प्रॉपरली इंगेज हो, खुद तो कर, है ना। रिड्यूस्ड ड्रॉप आउट रेट्स, ड्रॉप आउट रेट्स मीनस बच्चे ज़्यादा तो ज़्यादा पार्टिसपेट कर, ना कि ज़्यादा तो ज़्यादा भजन उस चीज़ तो, ड्रॉप आउट ना कर। स्टूडेंट टेक एन एक्टिव रोल टू क्रिएट इंटीग्रेट एंड जर्नलाइज नॉलेज। तो बच्चों का रोल की होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, खुद तो वह क्रिएट कर, इंटीग्रेट कर नॉलेज न, जर्नलाइज कर, ना कि पैसिव हो। लर्निंग अकर्स एट स्टूडेंट्स ऑन पेस, बच्चों की स्पीड हर एक की अलग अलग होंगी हैगी पढ़न की, तो उन्होंने अकॉर्डिंग ही लर्निंग होनी चाहिए हैगी। कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। बच्चों मोटिवेट करे, इदा की कॉन्ट्रीब्यूशन हो, खुद तो वह सैल्फ मोटिवेटेड फील कर।
मेजर डिफरेंसिस बिटवीन डिस्कवरी लर्निंग एंड ट्रडिशनल लर्निंग, पहला जी लर्निंग होंगी सी तो जी डिस्कवरी लर्निंग कहते उन्होंने की डिफरेंस है, ये डायग्राम ही बना सकते हो पेपर च। ये लर्निंग एक्टिव है रैदर दैन पैसिव, इस लर्निंग प्रोसैस बेस्ड है रैदर दैन फैक्ट बेस्ड, एक प्रोपर प्रोसैस किया जाता फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, सीधा कोई फैक्ट तो नहीं दस देंगे आप। फेलियर इज़ इंपॉर्टेंट, तो तू समझ आता है जो तुम डिस्कवरी करते हो हर वारी सक्सैस नहीं मिलू है ना। तुम सुनिया होगा भी जो बल्ब बनाया गया से तो वह किन्ने टाइम्स फेल होया, इस चीज़ से तुम गूगल करो है ना, ये तुहाडे लई होमवर्क भी होगा कि पहली बार इस सक्सैस कभी नहीं मिल जाती। फीडबैक इज़ नेसेसरी, हर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी प्रॉब्लम दी उन्होंने सॉल्व करने तो बाद फीडबैक जरूरी है कि रिजल्ट की आए, पॉजिटिव आए नैगेटिव आए, तुम वधिया किया नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग इज़ डीपर, तो समझ बहुत डूंगी आऊगी जो तुम खुद करोगे, खुद के एक्सपीरियंस नाल किसी चीज़ को सॉल्व करोगे। पर्पज़ की है डिस्कवरी मैथड का, डिवेलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, बच्चे खुद तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं, सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता उन्होंने, मोटिवेशन प्रोवाइड करता गा, एक्टिव इनवॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक्टिवली इनवॉल्व होंगे नेगे, इनकलकेट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बच्चों डिवेलप होंगी है जो खुद तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे अपना माइंड यूज़ करेंगे है ना। इनकरेज स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज एंड इवैलुएट इनफॉर्मेशन, तो बच्चों की एनालिसिस की प्रॉब्लम इवैलुएशन की प्रॉब्लम सॉरी जी कैपेसिटी हैगी भी इनक्रीज होगी जो खुद तो एनालाइज करेंगे चीज़ों है ना। लैसन लर्न थ्रू दिस मैथड आर मोर मीनिंगफुल टू स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे रजे लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं ना कुछ भी, तुम खुद भी इस फेस इस स्टेज पर भी कॉलेज स्टेज के भी जो तुम खुद तो कुछ सीखोगे ना, खुद तो कुछ करोगे, नोट्स बनाओगे खुद के, जो उन्होंने याद करोगे तो जी उन्हों की आउटपुट आऊगी ना वो ऑबवियसली ज़्यादा ही आऊगी, तो वह लाइफ लोंग होगी, मीनिंगफुल होगी, थोड़ू लंबे समय लिए याद रहनगे वो चीज़ा जो तुम खुद तो एफर्ट्स कर दो, जो थोड़ू मतलब आप कह सकते हैं कि स्पून फीडिंग नहीं की जाती ठीक है। तो ये वह परपस हो गया डिस्कवरी मैथड का। एडवांटेज के भी सेम ही पॉइंट आएंगे रजे, पॉइंट्स तुम 3 to 4 लाइनस के मिनीम एक्सप्लेन करने आ सारे, उत्थे कले लिख के नहीं छड़ के आने। प्रोवाइड हाई मोटिवेशन, फोस्टर क्रियोसिटी, लर्निंग एक्सपीरियंसिस परसनलाइज करता है, बच्चों की अचीवमेंट इनक्रीज होंगी हैगी, एक्टिव इनवॉल्वमेंट होंगी है, स्टूडेंट सीखते हैं लर्न किमें करना, हाउ टू लर्न ठीक है, रिमैंबर एंड रिकॉल ईजी होंगे गा, सैल्फ सैटिस्फैक्शन होंगी हैगी, लाइफ लोंग लर्निंग होंगी हैगी है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप पिछे भी तुसी बहुत सारे क्वेश्चन के बच्चे पॉइंट्स ईवन कि जो आप बाकी मैथड्स करा जिमें है ना, एक्सपोजिशन मैथड तो चलो अजक यूज़ नहीं होंगे वह ये एडवांटेज नहीं आनगियाँ, बट डाइवर्स लर्निंग के भी यही एडवांटेज लिख सकते होंगे ठीक है। तो यही एडवांटेजेस हो गई। नैक्सट आ गया लिमिटेशनस की नेगी, डजेंट कवर द कोर्स कंटेंट, मतलब हाँ बट जो तुम इस मैथड के थ्रू जाओगे स्कूल्स के है ना, तो सारा सिलेबस तुहाडे लई इस मैथड के थ्रू कराना पॉसीबल नहीं। टेक लोंग टाइम टू रीच ऑब्जेक्टिवस, तो हर बार जिम्मे आप फेलीयर होगा तो हाँ पहली बार तो सक्सैस मिलेगी नहीं, तो जो ऑब्जेक्टिवस जो रीच करने ने जो सोच के चलो उन्होंने पहुँचने पर भी टाइम लगेगा। रिक्वायर टू मच प्रैपरेशन एंड लर्निंग टाइम, तो पहला बहुत सारा लंबा समा चाहिए अपन प्रिपेयर करने के लिए। लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, समटाइम्स बच्चे फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, टीचर भी इवन दो फ्रस्ट्रेट फील कर सकता जो सिलेबस रहा होगा। नॉट फिट टू यूज़ फॉर टू बिग और टू स्मॉल साइज क्लासरूम है ना, जो 40 बच्चे क्लास बैठे हो फिर 5 बच्चे क्लास हो उदों आप मैथड नहीं अप्लाई कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी मैथड। नैक्सट लैक्चर के आप एक्सपोजिटरी मैथड करा। आई होप थ समझ आ गया होगा राजे, बहुत ईजी मैथड हैगा, मैं बहुत सारा कंटेंट थोड़ा ये प्रोवाइड करता, थोड़ा लोंग क्वेश्चन ईजली अटैम्प्ट हो जूगा। बाकी स्टिल कोई डाउट होया तो तुसी कमेंट सैक्शन पूछ सकते हो। जेकर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।